रघुवीर सिंह यानी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्वता और अखंडता को पूरी तरह अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत के रक्षा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण शुद्ध से निर्वाहन करता रहूंगा। तथा मैं है या पक्षपात, अनुरोध या द्वेष मिला सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अधिकारी अपना कार्य करूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर यह शपथ देता हूँ। आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ होने की कल्पना मैंने कभी नहीं की।
सपने जैसा लग रहा है और आप चले नए सपने दिखा दे। मुझे महत्वाकांक्षाओं की मेडियो में मत बांधिए गुरु जी। महत्वाकांक्षा स्वतंत्रता की पहली पीढ़ी होती है रणवीर। जब तक इंसान महत्वाकांक्षाएं नहीं रखेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारी ऊर्जा केवल रक्षा मंत्री बनने योग्य नहीं है, इससे कहीं अधिक ऊर्जावान अपने आप को। आप क्या कह रहे हैं? हर इंसान का अपना एक लक्ष्य होता है रखने, और अगर उस लक्ष्य के बारे में उसी इंसान को पता हो तो बेहतर है। गाड़ी वो हो गया। अरे यार आज की ताजा खबर। महाराष्ट्र में बनी खिचड़ी सरकार, प्याज का दाम 180, जी सर। क्या है आज की ताजा खबर? जी महाराष्ट्र में पवार ने अपना पावर दिखाया है और प्याज का दाम तो आसमान छू रहा है। इन सबसे गुजारा हो जाता है तुम्हारा? जी गुजारा तो नहीं हो पाता है, लेकिन काट लेते हैं किसी किसी जिंदगी। इसे मेरा काट दे दो। देखो इधर मेरा ऑफिस का पता लिखा हुआ है, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हारे लिए कुछ काम है। ठीक है ठीक है। इतना तो मेरे पास छुट्टा नहीं है, देखो अभी लेके आता हूँ। सुनो छुट्टे की जरूरत नहीं है, ये पैसे पूरे रख लो और कल सुबह 10 बजे आ जाओ। ठीक है चलो। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा क्या लेके आए? हम तो हारेंगे, बड़ा पावर।
टीचर गुरुजी, जैसा कि आपने कहा मैंने चार पांच लोगों का इंतजाम कर लिया और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। बहुत खूब रहूंगी, पर क्या तुम अब दूसरे चरण के लिए तैयार हो? तैयार तो हूँ गुरुजी, परंतु उससे पहले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। हम जिन्हें तैयार कर रहे उनका बाद में करना क्या होगा? करना क्या होगा मतलब? मतलब यही कि उनको इन सबसे बाहर कैसे निकालें। एक बात याद रखना रघुवीर, ये सब हमारे प्यादे हैं और इनका चक्रव्यूह में फंस कर अंत होना ही अनिवार्य है। ये तो बाद में ये हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। कैसी दिक्कत होगी? वो तो हमारे ही लोग हैं, आज अगर हम इन्हें बचा लेते हैं तो कल को जाके हमारे ही काम आ सकते हैं। शतरंज की खेल में जिस प्यादे ने सही चाल चलना सीख लिया ना रघुवीर, वो एक एक कदम चलकर वही बन जाता और उसके बढ़ते वजूद को देखकर सबसे ज्यादा दिक्कतें राजा को ही होती है। पर वजीर भी तो हमारा ही होगा ना। सत्ता के खेल में कोई किसी का नहीं होता रघुवीर। रावण का अंत राम कभी नहीं कर पाते, अगर विभीषण ने उसके जागर न किया होगा। इसलिए इन बेवकूफी बातों को छोड़ो और अगले चरण की तैयारी करो। जी गुरु जी।
की ताजा खबर। जैसा की रघुवीर सिंह जी के विश्वसनीय पात्र ने अंदेशा जताया था, उनका अंदेशा सच हो गया। अभी कुछ ही देर पहले रघुवीर सिंह जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ऐसा उनके द्वारा देश की सुरक्षा से संबंधित कामों को अमहत्वपूर्ण माने जाने के कारण किया। अब आगे क्या नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया जाएगा या फिर आने वाले चुनाव तक रक्षा मंत्रालय की भागदौड़ को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। सशक्त हाथों में सशक्त हथियारों का भी होना अनिवार्य है,
और भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए मैंने सरकार से कुछ मांगे रखी, परंतु मेरी इन मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। आज अगर मेरी मांगों को मान लिया जाता तो भारतीय सेना इतना सशक्त होता कि किसी भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती कि भारत पर आके आतंकी हमले करवाए। धन्यवाद। आतंकी हमले के बाद जनता तुम्हारे साथ है, पर तुम्हारी मांगे ना मानने के कारण नाराज भी है पार्टी। परंतु गुरु जी, अगर विपक्ष जीत गया तो हम क्या करेंगे? विपक्ष अपने न्यूनतम स्तर पर है रुकती, और जनता तो विपक्ष के साथ कभी नहीं। वैसे तुम इस बार चुनाव कहां से लड़ेगा? वही राम रामपुर से चुनाव लड़ रहे और भारी मात्रा में जीत ही रहे, तो इस बार ही मैंने सोचा कि मैं रामपुर से ही लड़ूंगा। इस बार तुम रामपुर से नहीं बल्कि अमेठी से चुनाव लड़ोगे। अमेठी से? परंतु गुरु जी, वो तो विपक्ष का गढ़ माना जाता है, उधर से निर्दलीय जीत पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। जनता की सहानुभूति तुम्हारे साथ है रखूंगी, और जनता को इस बार एक बड़ी जीत चाहिए, इसलिए अमेठी से ही रहेगा। ठीक है। अपने आप को तैयार कर लो, अब एक रैली का आयोजन करो रखूंगी, जिसमें ये तुम ऐलान करोगे कि तुम अमेठी से चुनाव लड़ रहे हो। पहरेदार, 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 पहरेदार,
अभियान भी शुरू कर दिया है, मैं हूँ पहरेदार। सोशल मीडिया पर इस अभियान के बहुत से पोस्ट वायरल हो रहे हैं। हम जहर से भरे बिच्छुओं में पले, तू हमें काटने की सजा पाएगा। अरे अब रूह की कसम चीर देंगे तुझे, तू कटके साफ साफ आप रुके जने द्रौपदी की कसम, कौरवों की सभा में जो आएगा। अरे दुशासन है हम खींच लेंगे तुझे, अब रूह जो बची है लुटा जाएगा, अब रूह जो बची है लुटा जाएगा। चार मजबूत नौजवान बंदे दूसरे से उड़ाने बच्चे, रघुवीर सिंह यानी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्वता और अखंडता को पूरी तरह अक्षुण रखूंगा। मैं भारत के गृह मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और अंतःकरण शुद्ध से निर्वाहन करता रहूंगा। तथा मैं है या पक्षपात, अनुरोध या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार ही अपना कार्य करूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर ये शपथ लूंगा। खिलखिलाते आएंगे।